टाटा ने पता है क्यों किया? टाटा की हैरियर और सफारी ये कोई बम्पर सक्सेस कार्स नहीं है। XUV 700 आप देख लीजिए, वो 6,000 यूनिट्स जब बिकते हैं तो टाटा को थोड़ा सा पिंच हुआ होगा कि यार हमारी कार ऐसे क्यों नहीं बिक रही। जो मिडिल क्लास कस्टमर्स थे उनको टाटा का नाम, आई एम सॉरी टू से इफ आई साउंड ब्लंट, उनको टाटा का नाम सुनना भी नहीं था। मैंने उसमें भी ऐसी रेटिंग नहीं देखी कि इतने एरियाज जो है वो ग्रीन और येलो हो। ये पिरामिड जो है ना, जो इन्होंने टॉप टू बॉटम वाला फॉलो किया, वो इन्होंने सबसे अच्छी चीज़ की है। ये केस नमस्कार दोस्तों, ये जो मैं कार चला रहा हूँ ये है वॉक्सवैगन की टी-रॉक, यूरो एंड कैप में 5 स्टार्स है। और ये मैंने तब ली थी जब सेल्टॉस मैंने बुक करवाई हुई थी और VW ने मुझे मना कर दिया था कि हमारे पास टी-रॉक नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। बट थैंकफुली वो किसी तरीके से अरेंज हो गई और मुझे मिल गई। बट टिल दैट टाइम हैरियर की कोई रेटिंग नहीं आई थी और हैरियर में डीजल इंजन जो था वो एक थोड़ा सा एक डील ब्रेकर था मेरे लिए, बिकॉज आप पॉलिसीज देख ही रहे हैं गवर्नमेंट की अभी कैसे हैं, थोड़ी सी हॉस्टाइल है डीजल कार्स के लिए। तो अभी भी जो हैरियर की फेसलिफ्ट आई है उसमें हैरियर ने अभी तक पेट्रोल इंजन हमें नहीं दिया। बट आज हम नेगेटिव बात बिल्कुल भी नहीं करेंगे, राइट? क्योंकि आज दिन जो है ना बहुत पॉजिटिव है, आई होप जो मैं दिख रहा हूँ, राइट? आज दिन बहुत पॉजिटिव है बिकॉज मैं सभी हैरियर के जो ओनर्स हैं ऑलरेडी उनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ, बिकॉज ग्लोबल एनकैप में लेटेस्ट प्रोटोकॉल में हैरियर और सफारी टॉप ऑफ द चार्ट आ गई है विद 5 स्टार्स इन पैसेंजर सेफ्टी एंड 5 स्टार इन चाइल्ड सेफ्टी, जो पहले 5 स्टार्स है एडल्ट सेफ्टी में। इसका मतलब ये है कि जो ऑलरेडी कार्स 5 स्टार्स लेके आ चुकी हैं, जिसमें कुशाक, टाइगून, वर्ना, स्लाविया, वर्टस, स्कॉर्पियो एन जैसी कार्स को इसने पीछे छोड़ दिया है। खास करके मैं मेंशन करना चाहूंगा कि VW की कार्स को पीछे छोड़ दिया, बिकॉज पहले उनकी VW स्कॉडा की कार्स टॉप ऑफ द टेबल थी, स्लाविया और वर्टस। और जो टेस्ट मैंने देखा है ना, वीडियो जो देखी है ग्लोबल एनकैप की, उसमें जस्ट लुक एट द डैमेजेस, मतलब जो अंदर डमीज बैठे हुए हैं दे फेल्ट लाइक दे आर सिटिंग इन अ कोकून। कुछ ऐसा नहीं है कि कार लगने के बाद उछल के इधर जा रही है, छत कांप रही है, या डैमेजेस इतने ज्यादा हो कि आपको लगे कि यार 5 स्टार्स कैसे निकाल लिए कार ने। आई अंडरस्टैंड के क्रम्पल जोन्स होते हैं, इट्स काइंड ऑफ इंजीनियरिंग, के अगर हल्की कार है तो उसको कैसे 5 स्टार्स बनाना है। बट स्टिल एक लेमैन के माध्यम से अगर मैं देखूँ तो मैं ये देख रहा था कि इतनी हैवी कार 1700-1800 किलो की 64 की स्पीड पर लग रही है और अंदर पैसेंजर्स का क्या हाल है। और जस्ट अगर आप साइड पोल टेस्ट भी देखें, साइड क्रैश टेस्ट भी देखें, तो बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस कार के जो डमीज ने दी है, मतलब उनका जो इम्पैक्ट है डमीज पे, सारी जगह मैंने देखा है कि सिर्फ एक जगह पे रेड आया है, जब आई थिंक पोल टेस्ट में ये अबडोमन एरिया रेड है, बाकी सारी जगह पे मोस्टली ग्रीन है, जिसका मतलब है कि गुड, और कई जगह पे येलो है जिसका मतलब है कि एडिक्वेट। जबकि जो कार्स ऑलरेडी 5 स्टार्स ग्लोबल एनकैप लेटेस्ट प्रोटोकॉल में निकाल चुकी हैं, उनमें बहुत जगह पे रेड एरियाज हैं, चाहे आप नी एरिया की बात करें या इवन हेड की भी। बट स्टिल इसमें ऐसा जितना मैंने अभी तक देखा है उसमें सिर्फ एक जगह पे रेड आया है, बाकी सारा जबरदस्त जो है रेटिंग, ऐसी रेटिंग मैंने कम से कम किसी इवन अगर आप लैटिन एनकैप की भी बात करें तो मैंने उसमें भी ऐसी रेटिंग नहीं देखी कि इतने एरियाज जो है वो ग्रीन और येलो हो। ये जस्ट एक आई से के रफली जब मैंने ग्लोबल एनकैप की रिपोर्ट देखी है तो ये मेरा है। ये कोई डिटेल्ड रिपोर्ट आपसे मैं डिस्कस नहीं करना चाहता, मैं जस्ट एक ओपिनियन, आप ही की जैसा एक कस्टमर हूँ तो मेरा ये एक फर्स्ट इम्प्रेशन है कि हाउ आई एम फीलिंग आफ्टर सीइंग, के जो एक थोड़ा सा संदेह था कि कहीं पैडल एरिया जो है, फुट पैडल एरिया, वो अंदर को इंट्रूड ना करे बिकॉज ऑफ द MJD मल्टीजेट 2.0, वो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ऐसी कोई फुटवेल एरिया में या अदरवाइज भी इंजन के कारण कोई ऐसा नहीं हुआ कि फीएट का इंजन है और लेफ्ट हैंड मार्केट के लिए बनाया गया है। तो वी आर नॉट श्योर कि जो पहले कार्स थी या अब कार जो अभी फेसलिफ्ट आया है उसमें कुछ काम किया गया है। बट अगर हमारे पास फैक्चुअल रिपोर्ट ये है कि हैरियर ने 5 स्टार्स निकाले हैं एंड दैट टू बेटर देन कार्स लाइक स्कॉर्पियो एंड टाइगून, या स्कॉर्पियन मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज वो सेम सेगमेंट की है, तो इट मस्ट बी अप्रिशिएटेड। मैं 2013 की अगर बात करूँ ना, तो जब मैं कॉग्निजेंट में था तो कैब हमारी जो होती थी वो V2 इंडिका होती थी, और तब भी मुझे लगता था कि यार इंडिका इज अ वैल्यू फॉर मनी कार। बट देन जो मिडिल क्लास कस्टमर्स थे उनको टाटा का नाम, आई एम सॉरी टू से इफ आई साउंड ब्लंट, उनको टाटा का नाम सुनना भी नहीं था। वो एक टैक्सी टैग लग गया था और एक अनरिलायबिलिटी का टैग जबरदस्त लग गया था कि इंडिका को लोग एज अ प्राइमरी कार अपनी फैमिली के लिए नहीं देखते थे। और ये टर्न अराउंड हुआ इनका टियागो के साथ, जिसमें उन्होंने एक कॉम्पैक्ट हैचबैक निकाली
जो कि स्विफ्ट से बहुत ही ज़्यादा सस्ती थी, और जो कस्टमर्स वैगनर इवन अल्टो का टॉप मॉडल वैगनर का टॉप मॉडल देखते थे, उनको लगा कि यार ये कार तो बहुत प्रेजेंटेबल है, ये तो इट्स नॉट लुकिंग लाइक अ टैक्सी ऑल्सो। उससे पहले उनकी बोल्ट मांजा वो भी कुछ बहुत अच्छा नहीं कर पाई थी। सफारी की अपना एक ब्रांड वैल्यू थी, बट मिडिल क्लास को जब आप पिरामिड जो है ना, जो इन्होंने टॉप टू बॉटम वाला फॉलो किया, वो इन्होंने सबसे अच्छी चीज़ की है। ये एक केस स्टडी होनी चाहिए कि कैसे आप एक फाइन प्रोडक्ट, टियागो इज अ फाइन प्रोडक्ट राइट, इन्होंने शुरू में डीजल इंजन और पेट्रोल दोनों निकाले थे, वैल्यू फॉर मनी 3.30 लाख इसका इंट्रोडक्टरी प्राइस था तब, मुझे याद है मैंने अपने ब्रदर को भी दिलाई थी, जम्मू में है वो ब्रदर इन लॉ को। कमिंग टू द पॉइंट, तो लेटर दे क्रैक्ड द मार्केट विद वन यूएसपी, एंड दैट यूएसपी वाज सेफ्टी। नेक्सॉन के साथ शुरुआत है इस चीज़ की, 5 स्टार्स वाली, और उसके बाद यार इन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। फिर चाहे वो पंच है, चाहे वो अभी हैरियर है, एल्ट्रोज है, मतलब कोई भी प्रोडक्ट इनका आप उठा लीजिए रिस्पेक्टिव सेगमेंट में, वो एक वैल्यू फॉर मनी टैग और सेफ्टी वाला टैग जो है ना, वो इन पे परमानेंट लगा हुआ है। इफ़ यू सी नेक्सॉन ऑल्सो, वैल्यू फॉर मनी कार, 4-5 मेंबर्स की अगर आपकी फैमिली है तो क्या चाहिए आप, मल्टीपल इंजन मिल गए, और AMT चलो उसमें है, थोड़ा सा 3 सिलेंडर पेट्रोल डीजल सब कुछ आपको मिल जाता है ठीक ठाक पैसों में। सनरूफ भी वो शुरू वाले वेरिएंट से ही जो है देनी शुरू कर देते हैं, तो बहुत ज़बरदस्त मार्केट रीड की है इन्होंने सफारी। और इस पर अगर मैं वापस आऊँ, जिसकी प्राइस इन्होंने अभी 15.29 और 16.29 से शुरू होके जा रही है 24-25 तक, ये कोई सस्ती कार्स नहीं है, आई डोंट नीड टू मेंशन दैट दे आर एक्सपेंसिव कार्स, ऐसा भी नहीं है कि आप कोई भी कॉमन मैन इसको ले सकता है, बट दे आर वैल्यू फॉर मनी कार्स, दे आर गिविंग यू फीचर्स, अडास लेवल 2 के भी फीचर्स इसमें आने शुरू हो गए हैं राइट, सेफ्टी आपको मिल गई, रोड प्रेजेंस आपको मिल गई, प्रैक्टिकलिटी आपको मिल गई। तो वो जो एक फैक्टर हमने XUV700 के साथ एसोसिएट कर रहे हैं, स्कॉर्पियन के साथ कर रहे हैं, वो अभी सफारी और हैरियर भी आपको प्रदान करने की कोशिश कर रही है, माइनस दे स्टिल डोंट हैव पेट्रोल इंजन्स एंड ऑल व्हील ड्राइव ऑप्शंस। तो ये चीज़ है दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि जो डीजल लोग XUV700 या फ्यूल एफिशिएंसी के कारण हाई क्रॉस देख रहे थे, दे माइट लुक सफारी एंड हैरियर ऑल्सो। और ये क्यों किया है टाटा ने पता है क्यों किया है? टाटा की हैरियर और सफारी ये कोई बम्पर सक्सेस कार्स नहीं है, यू शुड अंडरस्टैंड कि ये मैं क्या कहना चाहता हूँ। बम्पर सक्सेस जैसे इनकी नेक्सॉन है, जैसे इनकी पंच है, या इसी सेगमेंट की इनकी XUV700 आप देख लीजिए, वो 6,000 यूनिट्स जब बिकते हैं, तो टाटा को थोड़ा सा पिंच हुआ होगा कि यार हमारी कार ऐसे क्यों नहीं बिक रही, कम से कम डिमांड वो वाली नहीं है कि लोग लाइन लगा के बुकिंग्स करवा रहे हों। तो ये एक प्रयास है टाटा की तरफ से, फेसलिफ्ट बढ़िया दे के, इंटीरियर जो है इन्होंने सारा अपग्रेड किया है राइट, तो फेसलिफ्ट पहले से ही बहुत अच्छा था, स्टीयरिंग मुझे बिल्कुल सुंदर नहीं लगता था, अभी इन्होंने अपना जो नेक्सॉन ईवी मैंने कवर किया था वही वाला स्टीयरिंग हमें देखने को मिल रहा है। तो दे हैव वर्कड ऑन द फीडबैक जो कस्टमर्स की थी, और अभी एक ऐसा प्रोडक्ट बन गया है कि अगर आप XUV700 शोरूम में देखने के बाद टाटा के शोरूम में भी जाओगे, तो यू वॉन्ट गेट अ फील कि ये कार थोड़ी सी आउटडेटेड लगती है, बहुत एक कम से कम फ्रंट व्हील ड्राइव में ज़बरदस्त वैल्यू प्रदान कर रही है विद 2.0 डीजल इंजन जो कि फीएट इनको सोर्स कर रहा है, और प्लेटफॉर्म का आप तो मालूम ही है, प्लेटफॉर्म इनको ओमेगा आर्क से डिराइव्ड है। तो कुडोस टू टाटा एंड कुडोस टू द ओनर्स हु आर ड्राइविंग हैरियर, द वंस हु हैव बुक्ड द न्यू हैरियर, एंड जो एक अभी टॉक ऑफ द टाउन सेफ्टी बन गया है ना, कि आप प्राइस लॉन्च कर रहे हो और आपको साथ में रेटिंग कार की दिखानी पड़ रही है, हालांकि टाटा महिंद्रा जो है ये फ्लैग बेयरर ही हैं सेफ्टी के इंडियन कार ब्रांड्स, बट अगेन दैट शोज के हाउ इम्पॉर्टेंट द सेफ्टी थिंग इज, जब कोई कस्टमर अभी 15 लाख से ऊपर या इवन 12-13 लाख से ऊपर भी खर्चता है, तो ये मैं यही एक एज अ कस्टमर मेरा 2014-15 से मेरे मन में था कि यार सेफ्टी की इधर बात क्यों नहीं होती। तो वो जैसे मैंने बोला भी है कि यार अभी मेरा जो वीडियोज़ है ना, वो थोड़ा सा मुझे अंदर से बहुत कोई चाहत नहीं होती, बहुत कोई अंदर से एंथुसियाज्म नहीं आता, उसका कारण ये है कि नाउ व्हेन आई सी द कस्टमर्स दे आर इन्फॉर्म्ड, दे डू नो अबाउट द इंजन्स दे आर गेटिंग, दे डू नो अबाउट द ट्रांसमिशंस दे आर गेटिंग, दे डू नो अबाउट 6 एयरबैग्स, दे डू नो अबाउट GN कैप। तो यही चीज़ करनी थी, और जब शुरुआत कोई करता है TeamBHP से या कोई YouTube से, तो वो धीरे 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 टॉक ऑफ द टाउन बन जाती है, बिकॉज वो चीज़ फैक्ट्स पे आधार होती है। तो
थैंक्स दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए, और आपकी क्या राय है इस रेटिंग पे आप नीचे मुझे प्लीज़ कमेंट्स में बताएं। थैंक यू सो मच।